राम राम जी। मैं मोहन सोनी उड़ान कैंपस बरवाला से आज आप लोगों के बीच रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास के अंदर हम लास्ट टाइम जो क्लरिकल के पेपर हुए थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उनके जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग सामने देख भी रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है वो 13/11/2016 का मॉर्निंग सेशन जो हमारा पेपर हुआ था, आज हम उसको सोल्व आउट कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और जो ये क्वेश्चन है लगातार आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई देते रहेंगे, यदि कोई आप लोग उसको स्टेटमेंट समझ में ना आए तो स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 9, 11, 33, 13, 15, 33, 17 ?? दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, आप लोगों ने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसको हम देखते हैं कि 9 में 2 जोड़ा तो कितना बन गया भाई 11, और जो ये 33 दे रखा है ये केवल एक पजल करने के लिए दे रखा है भाई। 11 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया जी 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 हो जाएगा आप लोगों का 19। तो यानी यहाँ पर दिए गए जो पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर आ जाएगा 19। और एक और बात देखने वाली है कि दो युग्म बनाए यानी दो संख्याओं लिखने के बाद में जो जिनके अंदर दो का गैप है उसके तुरंत बाद ये 33 लिख रहा है, बार बार 33 का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने दो संख्याएँ लिख ली जिनके बीच में दो का गैप था, तो अगली संख्या जो हमारी होगी वो कौन सी होगी 33। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देन इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो भी हमारा प्रश्न है वो प्रश्न भी सीरीज से ही है, लेकिन वो इंग्लिश के अल्फाबेट पे दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन देखें हम QPONMLKJI?EDC। जी हमारा प्रश्न है, तो इसमें बताना है कि जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा यानी कौन से लेटर वहाँ पर आएंगे। दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को देखने का। एक तरीका तो ये देखो कि भाई ये जो क्या है ये 17 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो 17 से 14 पे जाने के लिए -3 यानी 3 घटाना पड़ेगा हमें। लेकिन दूसरा तरीका हम देखें कि अल्फ़ाबेट आप लोगों को आने चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि जैसे सी, सी के बाद में क्या आता है डी, डी के बाद में ई, ई के बाद में आता है हमारा एफ, एफ के बाद में एफ के बाद में आ गया हमारा जी, और जी के बाद में क्या गया एच। ये हमने यहाँ पर रख दिया जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह था वहाँ पर ये आ गया आप लोगों के। उसके बाद देखो आई एच के बाद में आता है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये लगातार इंग्लिश के अल्फाबेट दे गए हैं एक सीक्वेंस के अंदर। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा एच जी एफ। प्रश्न नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है आप लोगों का दिया हुआ है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से दिया हुआ। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, किन्हीं शब्दों को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स को आप लोगों ने उसके रंग रूप और बाहरी स्वरूप के अनुसार उसको एक वर्ग के अंदर डिनोट करना होता है, और जो उनसे भिन्न है उसको आपने अलग निकालना होता है। तो यही प्रश्न हमारा दिया हुआ है। जो हमारा पहला जो शब्द दिया गया है ट्यूलिप, दूसरा जो शब्द दिया गया है गुलाब, तीसरा जो शब्द दिया गया है वो है कली, और चौथा जो शब्द दिया गया है वो है डेची। तो यहाँ पर भिन्न बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कली। क्यों? क्योंकि इस कली के अलावा जो 3 पार्ट हैं ये फूल हैं या पौधे हैं। जो ये कली है ये उससे पहले का पार्ट है, तो यानी सबसे छोटा पार्ट इसमें ये है कली, और इसमें भिन्न कौन सा है हमारा कली है। ठीक है जी। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, ये प्रश्न आता है आप लोगों का एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। एनालिसिस हिंदी में जिसे हम सादृश्यता समसंबंध बोलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है यदि जिस प्रकार यार्ड का संबंध इंच से है, यार्ड का संबंध इंच से है, उसी प्रकार कार्ट का संबंध किससे होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैलन, औस, दूध, द्रव, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा गैलन।
क्यों हो जाएगा? जैसे यार्ड, 3 फुट का जो दायरा होता है उसे हम यार्ड बोलते हैं, यानी किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी। यार्ड और इंच, यार्ड ये होता है दूरी मापने वाला, इंच भी दूरी मापने वाला। उसी प्रकार कार्ट, लिक्विड फॉर्म को मापने के लिए कार्ट का प्रयोग होता है, तो लिक्विड फॉर्म को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? गैलन का प्रयोग किया जाएगा। आंसर हो जाता है हमारा गैलन। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है सीटिंग अरेंजमेंट से, व्यवस्थीकरण से, जिसे हम हिंदी बोलते हैं। तो व्यवस्थीकरण का इसका जो पहला प्रश्न दिया गया है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दिएगा और मैं बोल भी देता हूँ साथ साथ। क्या कहता है? एक पंक्ति में ए से ही 5 घर हैं, एक पंक्ति में ए से ही 5 घर हैं, ए बी के दाईं ओर है। जो ए है वो किसके? बी, यानी बी के दाईं ओर। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि इसका दायां बायां कौन सा होता है। मान लीजिए जो ए है, ए का मुंह उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर है, तो इसकी जो ये साइड है, ये साइड को हम बोलेंगे दाईं साइड, और जो इसकी ये साइड, इस साइड को हम बोलेंगे बाईं साइड। तो हमने कहा कि ए बी के दाईं ओर, किसके? बी के, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बी का दाईं ओर है। अगली पंक्ति में कहता है ई सी के बाईं ओर है, ई जो है वो सी के बाईं ओर है, और लास्ट में कहता है ई सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। ई जो है सी के बाईं ओर है, ए के दाईं ओर है। इसके बाद में कहता है बी डी के दाईं ओर है, जो बी है वो किसके? डी के दाईं ओर है। और प्रश्न आप लोगों से पूछा कि मध्य में कौन है, आंसर आ जाएगा मध्य में हमारा है ए, ये हमारा आंसर बन जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अगले जो हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखते हैं जी। आगे जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने वो प्रश्न है, शब्दों को सार्थक क्रम में लिखें। आप लोगों का प्रश्न आता है शब्दों को सार्थक क्रम में लिखें, इसने कुछ शब्द दिए हैं उनको आपने एक क्रम के अनुसार लिखना है। क्रम हमारे पास दो ही होते हैं, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने पहला शब्द देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका पहला शब्द है यात्रा, दूसरा जो शब्द है इसका गंतव्य, तीसरा जो शब्द है भुगतान, चौथा शब्द है बर्थ या सीट नंबर, इसके बाद में पांचवा जो शब्द है वो है आरक्षण, छठा जो शब्द है आरक्षण के लिए बर्थ या सीट की स्थापना, ये हमारे 6 शब्द दिए गए हैं। इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना, और साथ में नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, और ये पूछा गया दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लिखने के बाद में कौन सी सीक्वेंस इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगी, सही रहेगी। तो इसके अंदर हमारी जो सीक्वेंस है वो बी ठीक रहेगी। बी के अंदर क्या दिया गया? सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए आरक्षण, यानी किसी कहीं पर भी हमने ट्रैवल करना है तो हम सबसे पहले क्या करवाएंगे? हमारी जो सीट है रिजर्वेशन करवाएंगे, रिजर्व करवाएंगे सीट। जैसे हमने रिजर्व करवाई और उसके तुरंत बाद में हम क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, और भुगतान करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा? एक सीट का नंबर मिल जाएगा। जैसे हमें सीट का नंबर मिलेगा, हम यात्रा करके जहाँ पर हमने चढ़ना है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, यानी सीट की स्थापना, सीट पर हम स्थापित हो जाएंगे, और जहाँ पर फिर हमने जाना है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ये इसका एक सिक्वेंस रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर 53, 41, 62, ये हमारा आंसर है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, अगला आने वाला जो प्रश्न आपका, ये काफ़ी एग्जाम्स के अंदर देखा गया है और बड़ा ही साधारण प्रश्न है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। 4 शब्द दिए गए हैं इसने। पहला जो शब्द है ए पी, दूसरा जो शब्द है, तीसरा जो शब्द है
और चौथा शब्द, ये चार शब्द हैं। और क्या कहता है, दिए गए शब्दों को शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद बताइए दूसरे नंबर पर कौन सा है, यानी इन शब्दों को हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है और बताना है कि इसमें सेकंड नंबर पर किसका स्थान मिलता है। तो डिक्शनरी आप सभी ने देखी होगी और पढ़ी भी होगी, तो जिसका राइट साइड का जो कॉर्नर होता है आप देखोगे वहाँ पर ए और ए लिखा मिलता है। इसका मतलब है ए और ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी जो वर्ड हैं लगभग आप लोगों के वहाँ पर दिखाई देंगे। इस प्रकार एक या दो स्टेप अब आप आगे चलते तो आएगा ए या बी, यानी ए बी से स्टार्ट होने वाले। इस प्रकार ए जेड तक आप पहुंच जाते हो, नेक्स्ट आता फिर बी ए, बी बी, इस प्रकार बी जेड, लास्ट तक आप चले जाते हो। तो आप लोगों का ये सीक्वेंस है। यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर पहले आता है वो हमें डिक्शनरी में पहले दिखाई देगा। तो यानी अब हमें इसके अंदर देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। इसने कहा कि इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करो और बताइए कि कौन सा दूसरे नंबर पर रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर, यानी इस पहले अक्षर से हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें पहला कौन सा आएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं, इसके अंदर पी है, इन दोनों के अंदर एन, तो एन अल्फाबेट के अंदर पहले आता है तो हमने इसको एन को भी क्रॉस कर दिया। दोनों के अंदर टी है, क्रॉस कर दिया। दोनों के अंदर आई है, क्रॉस कर दिया, नहीं बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ है जी और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जी का स्थान पहले आता है, तो यानी ये लेटर हमें फर्स्ट नंबर पर दिखाई देगा डिक्शनरी के अंदर। तो दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा कि ये लेटर हमें दूसरे नंबर पर दिखाई देगा, ये हमें थर्ड नंबर पर दिखाई देगा और ये लेटर हमें फोर्थ नंबर पर दिखाई देगा। उसने पूछा कि दूसरा नंबर किसका है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। वो पूछता कि तीसरा नंबर किसका है, तो हमारा आंसर होता ए। वो पूछता फर्स्ट नंबर किसका है, पहला नंबर किसका है, हमारा आंसर हो जाता सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का एनालिसिस से दिया हुआ, सादृश्यता समसंबंध से क्या कहता है, ऑक्सीजन अनुपात जलना। कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, जी जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है आप लोगों ने वहाँ बताना है कि क्या आंसर आएगा। ये हमारा एनालिसिस का क्वेश्चन होता है। एनालिसिस भी दो प्रकार की होती है, साधारण समसंबंध और असाधारण समसंबंध। जहाँ पर पहले पद का संबंध दूसरे से हो, तो जो संबंध पहले का दूसरे से है वही हमने तीसरे पद का संबंध चौथे से करना होता है, इस बात को हम बोलते हैं साधारण समसंबंध। और जहाँ पर पहले पद का तीसरे पद से हो और दूसरे पद का चौथे के साथ हम संबंध करते हैं तो उस बात को हम बोलते हैं असाधारण समसंबंध। तो यहाँ पर कौन सा है, साधारण संबंध। ऑक्सीजन जलाना, यानी ऑक्सीजन किस में सहायक होती है, जलाने में, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में होती है, आंसर आ जाएगा बुझाना। हमारा आंसर हो जाता है बुझाना। इस प्रश्न का आंसर रहेगा हमारा बुझाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण के अंदर मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों ने चीज़ों को अलग करना है। कैसे अलग करना है, एक वर्ग बना के, यानी उनका एक वर्ग है वो इसके अंदर डाल दिया और एक जो भिन्न रह गया वो हमारा आंसर होता है। जैसे इसके अंदर शब्द दिया है प्यूपिक, दूसरा जो शब्द है आयरिस, तीसरा जो शब्द है कॉर्निया और चौथा शब्द है मेडुला। जी इनमें से बताना आप लोगों ने भिन्न कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडुला। क्यों, क्योंकि ये मस्तिष्क का पार्ट है, दिमाग का पार्ट है और बाकी जो तीन हैं वो हमारे आँख के पार्ट है, इसके कारण उनको हमने अलग कर दिया। ये आँखों के पार्ट हो गए तीन और ये किसका है, मस्तिष्क का पार्ट है, दिमाग का पार्ट है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया, मेडुला हमारा आंसर रहेगा। एंड अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पर सीरीज दी हुई है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पर जो सीरीज दी हुई है इसको बड़े ध्यान से देखना आप लोगों ने, ई जे ओ टी वाई D I N S X C H और प्रश्नवाचक चिन्ह। जी दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा आप लोगों ने बताना है। तो हमने देखा कि जो E है
ये कितने नंबर पर आता है? 5 पर। जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी जो आता है आप लोगों का 20 पे, वाई जो आता है 25 और डी आता है 4 नंबर पे। इसके बाद में आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे, एक्स आ गया 24 पे, सी आता है आपका 3 पे और एच आता है आप लोगों का 8 के ऊपर। तो यहाँ देखिए 5 जमा 5 10 10 जमा 5 15 15 जमा 5 20 20 जमा 5 25 25 जमा 5 तो हमारा हो जाता है 30। लेकिन हम इंग्लिश की सीरीज़ कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26। तो हमारा हमने बताने 25 में हमने 5 जोड़े 30 बन गया। अब 30वें नंबर पर कौन सा आएगा? तो हमने हमारे लेटर तो 26 ही होते हैं इसलिए से हमने इसमें से 26 घटा दिया। हमारा शेष क्या रह गया? 4। यानी 4 पे कौन आता हमारा? डी। अब 4 में हमने जोड़ दिए 5 तो हमारा हो गया 9 जमा 5 14 जमा 5 19 19 और 5 24। अब 24 में जब हम 5 जोड़ते हैं 24 और 5 हमारे हो जाते हैं 29 और लेटर की संख्या हमारी वही है 26। इसमें से हमने घटाया तो हमारे पास आ गया 3। 3 जमा 5 यानी 8। 8 पे हमारा आता है H। 8 में हमने 5 जोड़े आ जाएगा 13। 13 और 5 18। 18 और 5 23। यानी 13 पे आता है हमारा लेटर M, 18 पे आता है R और 23 पे आता है W। हमारा आंसर हो जाता है MRW। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये जो हमारा आज का पहला सेशन था, मॉर्निंग का सेशन 11/13/11/2016 का, आज के लिए इतना ही।